अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी ओरल कैविटी का, जो कि है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसमें से एसईक्यू भी आता होता है, और जो एसईक्यू में इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसमें से एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इस वजह से यू हैव टू डू इट वेरी मच वेल, और बहुत आसान है। ओरल से मुराद है ओरल कैविटी में है, सब म्यूकस से मुराद है सब म्यूकोजा में कोई लीजन है। आपको बताया कि हमारे पास जो पूरी जीआईटी है हमारी, जिसमें से ओरल कैविटी भी हमारी जीआईटी का पार्ट होती है, तो सब में एक लेयर्स हैं, हिस्टोलॉजिकल लेयर्स हैं। तो वो लेयर्स कुछ ऐसे हैं कि सबसे बाहर हमारे पास एपिथीलियम होता है, ठीक है। एपिथीलियम की टाइप चेंज होती रहती है। एपिथीलियम में दो चीज सॉरी सबसे बाहर एपिथीलियम होता है, उसके बाद हमारे पास होता है लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। लेमिना प्रोप्रिया इज बेसिकली योर कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, ये मैं बता रही हूँ सपोज ये कहते हैं कि ओरल कैविटी की जो वॉल है वो किन चीज़ों से बनी हुई है। तो ऐसे लेयर्स हैं, सबसे बाहर एपिथीलियम है, उसके बाद लेमिना प्रोप्रिया है। ये दोनों चीज़ें जो मिल के है ना, इनको हम म्यूकोजा कहते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना ओरल कैविटी का म्यूकोजा, बकल म्यूकोजा, तो म्यूकोजा में ये दो चीज़ें होती हैं, एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस इन दिस केस, एंड लेमिना प्रोप्रिया इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर हमारे पास फाइबर्स हैं, कॉलेजन इलास्टिक फाइबर्स, कुछ ब्लड वेसल्स हैं, और कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा बस मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो लेमिना प्रोप्रिया किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ डेवलप करती है। अगर इसमें कॉलेजन फाइबर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो चीज़ ज़्यादा टफ एंड रिजिड हो जाएगी। इसमें इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो चीज़ में इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ योर लेमिना प्रोप्रिया। म्यूकोजा के बाद जो अगली लेयर आती है, सारी आपकी हिस्टोलॉजी की पुरानी बातें मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ, वो है हमारी सब म्यूकोजा। और सब म्यूकोजा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसमें फाइबर्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, कुछ ब्लड वेसल्स हैं। इसके बाद फिर हमारे पास ओरल कैविटी में तो आपको पता है कोई मसल लेयर नहीं आती, ओरल कैविटी का जो है वो तो हमारे पास म्यूकोजा ही होता है बेसिकली, और उसके बाद थोड़ा सा सब म्यूकोजा या लेमिना प्रोप्रिया का ही पार्ट उसे कंसिडर कर लिया जाता है। तो ओरल कैविटी में तो ये, लेकिन आगे जीआईटी में हम जाते हैं तो फिर वी हैव मस्कुलरिस लेयर, और फिर हमारे पास एक्सटर्नल भी एक लेयर होती है। सो ये हमारी इस वक्त बताने का मकसद ये था, हिस्टोलॉजिकल पिक्चर को रिवाइज कराने का मकसद ये था, क्योंकि हमारे पास जब सब म्यूकस फाइब्रोसिस हमने कहा है ना इस डिजीज में, तो दिस इज बेसिकली इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स फाइब्रोसिस इन सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा से मुराद है लेमिना प्रोप्रिया एंड सब म्यूकोजा, बेसिकली बोथ ऑफ देम, बिकॉज ओरल कैविटी में इन दोनों को हम एक ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि दोनों में ही फाइबर्स हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैं, दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, ओरल कैविटी में एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ कॉलेजन फाइबर्स है, एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स हैं। लेकिन अगर क्या होगा, कॉलेजन फाइबर्स आपको पता है किसी भी जगह की टफनेस और रिजिडिटी को बनाने में का किरदार अदा करते हैं। तो इफ नंबर ऑफ कॉलेजन फाइबर्स इज आर इन नंबर ऑफ कॉलेजन फाइबर्स इज इंक्रीज्ड, तो ये जगह हमारे पास जो होगी मोर देन नॉर्मल टफ एंड रिजिड हो जाएगी। हमारे से हमारा जो मुंह नॉर्मली मोबाइल है, हम बोलते हैं, हम खाते पीते हैं, मुंह कितने आराम से हिल जाते हैं, वो हिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है जिसमें सब म्यूकोजा में फाइब्रोसिस होने लग जाते हैं, फाइबर्स की डिपोजिशन ज़्यादा होने लग जाती है, उसको हम कहते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ठीक है। डेफिनेशन इसकी अगर हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं जक्स्टा एपिथीलियल डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स, ठीक है। जक्स्टा एपिथीलियल का मतलब होता है एपिथीलियम के साथ या नेक्स्ट टू एपिथीलियम। तो भी मैंने आपको बता दिया कि एपिथीलियम के अगली जो लेयर है नेक्स्ट टू एपिथीलियम है, उसमें डिपोजिशन होती है, एपिथीलियम में नहीं होती, ठीक है। अच्छा, कॉज क्या है इसकी, इसकी कॉजेज हैं बेसिकली ना, आपके पास कोई डेफिनेट ये नहीं कॉज एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स जो इसके लिए आपको बहुत प्रोन कर देते हैं, जिसमें से ये जो एरिका नट्स है ना, छालिया जिसे हम उर्दू में कहते हैं, दे आर वेरी मच गुड रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। क्योंकि जो लोग छालिया खाने के आदि होते हैं, जो नॉर्मली वैसे भी छोटे मोटे पैकेट्स में मिलता है, वो तो बहुत ही थोड़ा सा होता है, लेकिन उसको भी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो पान लोग खाते हैं बहुत, और वैसे छालिया जमाने के आदि होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि उन्हें ये डेवलप हो जाए, बिकॉज इट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन। एरिका नट्स हमारे मुंह में जाके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करती है, और ऐसे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करती है कि वहाँ पर फिर टी सेल्स और सबकी डिपोजिशन जब स्टार्ट होती है, तो भी आपको मैं आगे पैथोलॉजी बताऊंगी, पूरी पैथोजेनेसिस इसकी बताऊंगी, तो फिर आप देखना कि किस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता है और किस तरह से कॉलेजन की एक्स्ट्रा डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। तो एरिका नट्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि वो लोग ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, टोबैको च्यूइंग, सिगरेट पीना नहीं बल्कि तंबाकू चबाना जो है ना, वो वही बात है, इन्फ्लेमेशन करता है। अल्कोहल का इस्तेमाल, विटामिंस की डेफिशिएंसी, और इम्यून प्रोसेस। इम्यून प्रोसेस का मतलब ये कि कुछ ऐसे लोग थे जिनमें इनमें से कोई एक कंडीशन भी नहीं थी, फिर भी उनको ये ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस डेवलप हो गया, तो फिर ये देखा गया कि शायद अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी भी एक्टिवेट हो जाती है, और वो टी सेल्स वगैरह जो है वो आते हैं, जिस तरह अभी मैं आपको पैथोजेनेसिस बताऊंगी, वो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के अगेंस्ट एक्टिवेट होकर ये प्रोसेस जनरेट करने लग जाते हैं। और अगर इनमें से एक से ज़्यादा फैक्टर्स आपस में लिंक्ड होंगे, या फिर एक ही बंदे में एक से ज़्यादा फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम कहते हैं कि मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज थी इसकी। अच्छा, अब इसकी अगली बात आती है पैथोजेनेसिस।
अच्छा, जो इसकी पैथोजेनेसिस है बहुत सिंपल सी है. जो भी हमारे पास रिस्क फैक्टर था उनमें से इट वाज रिजल्टिंग इनटू एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस. ठीक है, अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग सॉरी टोबैको च्यू कर रहे हैं, एरिका नट्स ले रहे हैं, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, या फिर अगर आपने न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी और इम्यून रिस्पॉन्स है तो हमारी बॉडी खुद ब खुद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी. और अगर बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं तो इन्फ्लेमेशन की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा. ठीक है, तो इन एनी केस एक इम्यून रिस्पॉन्स उस जगह पर जनरेट हो रहा है. इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, हमारे पास वहां पर जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो आते हैं. ठीक है, आपको पता है ना इम्यून रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन होती है. इन्फ्लेमेशन में हमेशा आपको जो सेल्स नजर आते हैं दे आर आपके ल्यूकोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, उसके अलावा प्लाज्मा सेल्स है. अगर आपके पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो प्लाज्मा सेल्स और ल्यूकोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. न्यूट्रोफिल्स आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होते हैं. तो शुरू में जब हम अगर इसकी म्यूकस फाइब्रोसिस की अर्ली स्टेजेस की पिक्चर देखते हैं तो हमें ल्यूकोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ज्यादा मिलते हैं, और बल्कि मैक्रोफेजेस भी मिलते हैं. जब हम लेट स्टेजेस की पिक्चर देखते हैं तो तब हमें लिम्फोसाइट्स यानी कि जो हमारे टी सेल्स हैं वो, और ये प्लाज्मा सेल्स यानी बी सेल्स. तो क्योंकि आपको पता है ना कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में टी और बी सेल्स ज्यादा आ जाते हैं, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स और जो मैक्रोफेजेस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो बहरहाल इन एनी केस हमारे ये सारे के सारे इन शॉर्ट इम्यून सेल्स हैं, वो सेल्स जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो उस जगह पर आ जाएंगे हमारे ओरल म्यूकोजा में. उसके बाद क्या होगा, टी सेल्स और मैक्रोफेजेस उस जगह पर आ गए और कुछ अमाउंट में बी सेल्स भी आ गई. इसी वजह से जब उन्होंने ये देखा जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट थे कि यार इसमें तो बी सेल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे, तो इसका मतलब ये कि कोई इम्यून रिस्पॉन्स का अपना भी रोल इसमें है. लाइक अपनी बॉडी की इम्यूनिटी भी कुछ ना कुछ रोल अदा करती है कि वो खुद ही एक्टिवेट होके इन सेल्स के अगेंस्ट एक्ट करने, हमारी बॉडी के अगेंस्ट एक्ट करने लग जाती है, और ये वाला कारनामा जो है ये और म्यूकस फाइब्रोसिस का ये अंजाम देती है. सो बहरहाल हमारे पास ये सारे सेल्स आ गए. ठीक है, अब ये सारे सेल्स आके क्या करते हैं, जो टी सेल्स जो मैक्रोफेजेस आते हैं ना, क्योंकि मेनली यही ज्यादा अमाउंट में यही होते हैं, तो ये आके प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस. साइटोकाइंस आपके कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, साइटोकाइंस आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर जो कुछ चीज़ों की ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये टी सेल्स जो मैक्रोफेजेस वहाँ के प्रोड्यूस करेंगे वो करेंगे फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस. ठीक है, फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे साइटोकाइंस हैं जो कि फाइब्रोसिस करवाने का काम करेंगे. ठीक है, फिर वो फाइब्रोसिस करवाने का काम किस तरह से करते हैं, दो तरीकों से वो फाइब्रोसिस कराते हैं. एक तो वो ये करते हैं कि वो कॉलेजन के प्रोडक्शन को डायरेक्टली इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, कॉलेजन एज ए फाइबर वो वहाँ पर आकर हमारे लेमिना प्रॉपरी और सब म्यूकोजा में आके कॉलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. और दूसरा काम वो ये करते हैं कि हमारे पास कॉलेजन की जो डिग्रेडेशन हो रही होती है, आपको पता है ना बार बार ये चीज़ डिग्रेड होती है और बार बार नहीं बनती है, तो वो जो कॉलेजन की डिग्रेडेशन हो रही थी विद द हेल्प ऑफ कॉलेजिनेज एंजाइम, उसको भी डिक्रीज करा देते हैं कोलेजिनेज एंजाइम को इनएक्टिवेट करके. तो हमारे पास साइटोकाइंस ने दो काम कर दिए. ठीक है, कि कोलेजिनेज की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दिया, उसकी एक्टिविटी को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से कोलेजिन की प्रोडक्शन हमारे पास बहुत ही कम सॉरी डिग्रेडेशन कम हो गई, और साथ ही प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई. इन दोनों कामों की वजह से रिजल्टेंटली कोलेजिन की डिपोजिशन होती जाती है और फाइब्रोसिस डेवलप होता जाता है. ठीक है, इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके पास जो आपका सारा का सारा सब म्यूकोजा या लेमिना प्रोप्रिया है उसमें स्टिफनिंग एंड हार्डनिंग हो जाती है, बेहद फाइबर्स हो जाते हैं और वेसल्स बिल्कुल लॉस हो जाती हैं. जाहिर सी बात है वेसल्स को भी रहने के लिए अप्रोप्रिएट जगह चाहिए ना, अगर वहाँ पर ही हार्डनिंग एंड सब कुछ थिकनिंग हो जाएगी तो वेस्कुलैरिटी कहाँ से रहेगी, वेस्कुलैरिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है उस एरिया की. ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी पैथोजेनेसिस है. इसमें आपने सिर्फ यही बातें याद रखने वाली, इन्हीं पॉइंट्स में लिख देंगे और इनको जरा जरा सा एलैबोरेट कर देंगे तो यू विल गेट 100% मार्क्स, इसमें कोई शक नहीं कि ये बातें हैं. अच्छा जी, तो हमारे पास इन शॉर्ट फाइब्रोइलास्टोटिक ट्रांसफॉर्मेशन है. ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की इनटू अ फाइब्रस टिश्यू. अब ये हमने देखा है कि दिस इज अ प्री मलिग्नेंट कंडीशन. ये कंडीशन ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के बाद में इसमें मलिग्नेंसी भी बन सकती है, ये कैंसर में भी डेवलप कर सकती है. ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास अगर हम देखते हैं कैंसर्स को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, या ल्यूकोप्लेकिया को, ल्यूकोप्लेकिया इस वाइट पैचेस जो बन जाते हैं हमारे मुंह में, ये सारी की सारी जो लीजेंस है इनमें ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस भी साथ साथ कहीं ना कहीं पर मौजूद होती है, जिसका मतलब ये कि इसका मलिग्नेंसी से कोई ना कोई ताल्लुक हो सकता है. दिस इज अ प्री मलिग्नेंट टाइप ऑफ कंडीशन. ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट. ओके गाइस, अब जो हमारे पास साइंस और सिम्टम्स आते हैं,
पेशेंट आपके पास जिन सिम्टम्स का प्रेजेंट करता है वो यही होता है कि उसे एक बर्निंग सेंसेशन इन माउथ है, स्पेशली जब वो खाना खाता है उसके बाद बहुत ज़्यादा होती है। स्पाइसी फूड्स तो बिल्कुल भी नहीं ले पाता, जो उसे मिर्चें वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लगती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा कि मुँह में बहुत ज़्यादा छाले, मतलब छाले तो नहीं होते, वो वेसिकल्स होते हैं, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स जो आपके मुँह में अपेयर होते हैं, तो वो बार बार निकलते हैं। और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता अगर ये चीज़ प्रोग्रेस करेगी तो वो आपको ये कभी कंप्लेन करेगा कि मुँह खोलने में भी मसला होता है और ज़बान भी पूरी तरह नहीं हिल पाती, सख्ती लग महसूस होती है और ज़बान बाहर निकालने में मसला होता है। ये तो सारे सिम्टम्स होगी जिससे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप देखें तो आपको क्या नजर आता है, सबसे पहले अगर इनिशियल स्टेजेस होगी तो आपको रेडनेस ऑफ द म्यूकोजा नजर आएगी, रेडनेस और रेड पैचेस बनते हुए आपको महसूस होंगे उसके पेशेंट के ओरल म्यूकोजा पे। और जो ज्यादा जगह इफेक्ट होती है वो आपका सॉफ्ट पैलेट है, बकल म्यूकोजा है, ठीक है, ये जो आपकी जगह ना ज्यादा इफेक्ट होती है। तो इसमें आपको आपको क्लियर कट नजर आएंगे रेडनेस, और हो सकता है कि आपको वेजिकल्स भी बने हुए नजर आए, ठीक है। वेजिकल्स का मतलब है फ्लूइड फिल्ड से वेजिकल्स होते हैं जो रप्चर भी कर रहे होते हैं, कुछ नहीं लिखे होते। ये हो गया इनिशियल स्टेजेस पे, जब अभी सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से लेमिना प्रोप्रिया इन्वॉल्व है, जब डीप चला जाता है सब म्यूकोजा भी सारा इन्वॉल्व हो जाता है, तब हमारे पास फिर वो करेक्टरिस्टिक फाइब्रोसिस का सिलसिला शुरू हो चुका होता है। और फिर हमें जो मिलता है ना, हमें अगर हम हाथ लगाते हैं पेशेंट के उस एरिया पे जहाँ पर हमें कोई पैच या इस तरह का एरिया नजर आ रहा होता है, तो हमें बाकायदा थिकंड रॉड्स महसूस होते हैं। ऐसे हाथ लगाओ तो जैसे एक थिक रस्सी पे आप हाथ लगा रहे हो ना, उस तरह से आपको थिक एरिया महसूस होता है, तो दे आर कॉल्ड एज फाइब्रोटिक बैंड्स, ठीक है। तो ये लफ्ज आपने याद रखना है, फाइब्रोटिक बैंड्स। तो ये फाइब्रोटिक बैंड जो है ना वो आपको उस जगह पर नजर आते हैं, मतलब महसूस आप आराम से उनको कर सकते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट का जितनी स्टेज एडवांस होती जाती है उतना ही उसका मुंह और सख्त होता जाता है, उससे मुंह खोला नहीं जाता, और एक करेक्टरिस्टिक अजीब और गरीब सा उसका टेढ़ा मेढ़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन डेवलप हो जाता है, विच इज ट्रिसमस, ठीक है। ट्रिसमस इज बेसिकली डिफिकल्टी टू ओपन द माउथ, तो ये कंडीशन बहुत बुरी होती जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ट्रीटमेंट हमने क्या देनी है, मेडिकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव स्टीरॉइड्स, क्योंकि इसकी ऑटो इम्यून इन नेचर है, तो हम स्टीरॉइड से ही इम्यून रिएक्शन को कम कर सकते हैं। डोज वगैरह आपकी बुक्स में लिखी हुई है, वो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जो भी रिस्क फैक्टर बीच में है, स्मोकिंग है या फिर एरिका नट्स का इस्तेमाल है या वट एवर, उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर पेशेंट को इस प्रोग्रेसिव कंडीशन की वजह से एनीमिया हो गया है या वाइटमिन की डेफिशिएंसी है, मतलब अगर उस तरह का कोई फैक्टर इन्वॉल्व है, अगर वाइटमिन B12 की डेफिशिएंसी हो तो पेशेंट को डेफिनेटली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होगा, तो उस एनीमिया को ट्रीट करना और उस कंडीशन को अंडरलाइंग पैथोलॉजी को देखना जरूरी है। और साथ मुंह, क्योंकि ट्रिसमस डेवलप हुआ होता है, तो जॉ ओपनिंग एक्सरसाइजेस साथ पेशेंट से कहने के वो रखे जा रही, ताकि ऐसा ना हो कि आपके लिए बाद में जॉ लॉकिंग हो जाए और मुंह खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाए। तो ये तो होगी मेडिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट फिर ये होती है कि आपने डिफरेंट ग्राफ्ट्स और फ्लैप्स लगा सकते हैं उन एरियाज के पे जिनमें फाइब्रोसिस डेवलप हो चुका होता है, क्योंकि अगर एक ये जगह जो बिल्कुल अल्सर बन चुका है और ये खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है, कुछ भी हो जाए ठीक नहीं होगा, फाइब्रोस हो चुका है, तो हम किसी और एरिया का ग्राफ्ट लगा के इस एरिया पे लगाते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। और उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं वो फिर मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बता दूंगी। फिलहाल आपने इतनी बातें याद रखनी कि इसमें से जो मेन बात है पैथोजेनेसिस की वो आपने नहीं भूलनी, जो वाइवा वगैरह और एवरीथिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक ये खत्म होते हैं, फिर एनी क्वेरी के नास्मिन, थैंक यू।